वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधेश्याम मोयल ने ग्राम देवरा सीतापुर उदयपुर का भू अर्जन रोकने संबंधी और खनन की लीज निरस्त करने और ग्राम देवरा में शिव मंदिर को पुरातत्व संरक्षण में लेकर पुनर्निर्माण की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार खटेरिया को सौंपा है। राधेश्याम मोयल ने मांग की है कि राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन को निर्देशित करें कि ग्राम देवरा सीतापुरी उदयपुर का भू अर्जन रोका जाए, अवैध उत्खनन रोका जाए और यहां स्थित शिव मंदिर को पुरातत्व सर्वेक्षण में लेकर पुनर्निर्माण किया जाए। इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीणों के साथ वरिष्ठ समाज से भी उपस्थित थे। मनावर से लोकेंद्र यादव की रिपोर्ट। और भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कोई राधेश्याम मोयल या देवरा के लोगों की लड़ाई नहीं है, ये अस्तित्व और हिंदुत्व को बचाने की लड़ाई है साथियों। ये मंदिर अगर हम जीर्णोद्धार करेंगे तो निश्चित तौर पर एक आस्था का केंद्र बनेगा, लेकिन कुछ उद्योगपतियों की नजर इस मंदिर पर बनी। ये जब से पुरातत्व डिपार्टमेंट बना था तब से लगाकर 90 के दशक में ये पुरातत्व डिपार्टमेंट के अंदर ये मंदिर आता था, लेकिन जब से ये जो माफिया है खदान माफिया जो अल्ट्राटेक फैक्ट्री डेवलप हुई है, इन्होंने इसको पुरातत्व डिपार्टमेंट से हटाकर इसको आम मंदिर बना दिया ताकि देवरा गांव खाली करवाकर उस गांव को जैसे 22 गांव को बेघर कर दिया, 22 गांव के लोग दर दर भटक रहे हैं, ऐसे ही देवरा के लोग भी दर दर भटक रहे, ऐसी भावनाओं के साथ इस मंदिर को पुरातत्व डिपार्टमेंट से अलग किया गया है। मैं मनावर के समस्त धर्म के साथियों से निवेदन करता हूँ कि भाइयों आपकी सत्ता है, कभी कभी ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके लिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ती है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का होता तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ना इस हिंदू के मंदिर के लिए। आज हमने जैसे कमल भाई ने बोला कि फरवरी में मैंने ये मंदिर के लिए उषा ठाकुर जी को आवेदन दिया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं कमल भाई वास्तविकता बताना चाहता हूँ कि 2015 में मैंने खुद इस पुरातत्व डिपार्टमेंट में देने के लिए राष्ट्रपति जी को क्या आवेदन किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये जो सरकार है अगर इस मंदिर से किसी को वोट मिलते तो आज ये 500 लोग नहीं 5000 लोग इकट्ठा होते साथियों। आज ये वोट बैंक की राजनीति नहीं दिख रही है, इसीलिए जो फर्जी ढंग से हिंदुत्व की बात करते हैं वो नहीं है। मैं इन जितने भी लोग आए इनको सब सब नमन करता हूँ, इनसे अच्छे हिंदू कोई नहीं हो सकते, अपना कीमती समय निकाल कर आए। और जो लोग राजनीति पापड़ सेकते हैं जो कहते हैं कि जो है मुसलमानों का हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ वर्तमान सरकार को कि आपके पास मुगलकालीन खंडरों को पोतने के लिए पैसा है, लेकिन हमारे देवरा के मंदिर के लिए एक रुपया नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अल्ट्राटेक फैक्ट्री से पैसा मिलता है, अल्ट्राटेक फैक्ट्री से आपको बड़ा धन मिलता है, इसी वजह से आज हमारे हिंदुत्व भाइयों के लिए आप उनकी मदद कर रहे हैं और देवरा के मंदिर की मदद नहीं कर रहे हैं। पैसा एक की बात होती है, पैसा एक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।